प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि 10 अप्रैल 2014 में फ्रांस दौरे के दौरान पूरी डील ही बदल दी गई। इस मसले पर पूर्व यूपीए सरकार भारतीय युवा सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खरीदने की कवायद शुरू की थी, जिसमें वायुसेना द्वारा 2 विमानों को मानकों को सही पाया गया था। उसी आधार पर तत्कालीन सरकार ने फ्रांस की दसाइट एविवेंस कंपनी का रैफल व दूसरा यूरो फाइटर ट्राइफून, लेकिन फाइनेंस वालों ने फाइनेंस बोली में फ्रांस की दसाल्ट एविडेंस कंपनी बाजी मार गई। इस कंपनी द्वारा पहले 18 विमान दिए जाने थे और 108 विमान भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोमेट्रिक लिमिटेड व दसाल्ट एविवेंस कंपनी द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा भारत में तैयार होने थे। मोदी सरकार ने सत्ता परिवर्तन के बाद सारे प्रोजेक्टों को ही बदल डाला। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से रैफल डील पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर अपने पूंजीपति साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनी को दरकिनार करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया है कि रैफल डील में रिलायंस डिफेंस को किस आधार पर तरजीह दी गई है। यही नहीं बल्कि निर्धारित प्रक्रिया व नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। इस मामले में जो भी कार्यवाही मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई है उससे एक बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है। अनीता वर्मा ने कहा कि सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन रैफल डील पर चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के व्यापक घोटाले व राजस्थान में हुए करोड़ों रुपए के घोटालों की सीबीआई जांच करवाना उचित नहीं समझा। कांग्रेस इस मुद्दे को आने वाले दिनों में आम जनता तक पहुंचाएगी व लोगों को जागरूक करेगी। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की जयराम सरकार पर भी हमला बोला। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेन्द्र कश्यप, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, तिलक राज शर्मा, डॉक्टर वीरू राम किशोर, तेजस्वी शर्मा, प्रवीण शर्मा, गोपाल शर्मा, रीता सहगल, संदीप सांख्यान, रतन चंद ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, सरपाल ठाकुर व रमेश चंद सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे और कहा कि आप हमसे डील कीजिए, हम आपको 20% सस्ते में देंगे जहाज। आपको सस्ते में मिल रहा था वैसे ही फाइटर प्लेन, लेकिन इन्होंने तब उसको नए सिरे से सौदे को नहीं किया। और ये जो घोषणा की थी जहाज खरीदने की प्राइम मिनिस्टर ने, कभी भी आपका कोई भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसको देखती है कि सिक्योरिटी के तहत ये ठीक है, और उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी देखती है और प्राइस नेगोशिएशन कमेटी देखती है। अगर सीधे के सीधे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप कर लिया कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट की बात भी चली और ये डील हुई तो रक्षा मंत्री जो है हमारे, उन्होंने 12 फरवरी 2018 में कहा कि कोई ऑफसेट डील नहीं हुई है, ना तो एचएएल से हुई है ना रिलायंस से हुई है। लेकिन बड़े हैरानी की बात है कि रिलायंस के जो प्रेस और इन्वेस्टर की जो प्रेजेंटेशन थी डिसॉल्ट कंपनी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला कि भाई हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट डील हुई है, ये गलत बोल रहे हैं। और जो फ्रांस की रक्षा मंत्री थी वो हिंदुस्तान आई, वो मिली 27 अक्टूबर को 2017 को हमारी डिफेंस मिनिस्टर से, और उसने उस डील को पूर्ण रूप से पूर्ण किया। वहां पर रिलायंस डिफेंस की नींव रखी जा रही थी, उस कंपनी की नींव रखी जा रही थी, जिसमें महाराष्ट्र के भी चीफ मिनिस्टर थे आपके देवेंद्र फडणवीस और गडकरी साहब थे और अनिल अंबानी। तो आज ये सवाल उठता है कि इतना पर्दा क्यों डाला जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इसको क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है और खास करके हमारी सिक्योरिटी के साथ ये सम्मिलित है। हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इसका बड़ा ये रहता है कि अगर एक फाइटर प्लेन अच्छा आए और अगर वो फाइटर प्लेन एक सस्ते दाम में हमें मिले तो दो चीजें हमारी होती है, हम पैसा भी बचाते हैं और हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट होता है कि जो आज इस टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी देश के साथ, जो बड़े हमारे चाइना जैसे बड़े देश हैं जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं।